बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और जैसा कि हम अपने किचन में आ चुके हैं, तो किचन में हम बना रहे हैं नाश्ता। तो मैंने कहा कि चलो भैया तैयार हो चुके हैं और जब तक मेरी इडली और चाय बन रहा तब तक हम ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो बस बन रहा है मेरा इडली और चाय, तो हम जा रहे हैं चाय और इडली खाने। और यहाँ मतलब पूजा पाठ हो गया, नहाना धोना हो गया और बिल्कुल रेडी हो गए, नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए। तो बस अब लगी है भूख, तो करेंगे नाश्ता। बच्चे भी टिफ़िन में आज इडली लेके गए हैं, तो बच्चे टिफ़िन में इडली लेके गए हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा पेस्ट बचा हुआ तो हम लोग भी नाश्ते में इडली कर लेते हैं और चाय साथ में है। तो बस जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और हमारे साथ बने हैं विश्वा से। हाय विश्वा, हाय 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 विश्वा, से हाय विश्व। दिखा दो क्या खा रहे हो आप, क्या खा रहे हो दिखा दो। देखो तो बिस्किट खा रहे विश्व, बिस्किट खा रहे क्या। अच्छा अच्छा फ्लाइंग किस कर दो। यार मैं ना चीकू और विश्व को दूध पिला रही हूँ। विश्व मेरे पास है, विश्व को दूध पिला रही थी तो विश्व दूध नहीं पी रहा था। एक ना उसकी गुड़िया है, ये थोड़ा चुभना, तो उसकी गुड़िया कुकी, तो मैंने कहा उसको थोड़ा सा बीट करो और तो डर के पीने लगेगा। तो रिद्धि तो कैसे मार रही, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ जो मतलब जो कर रही रिद्धि ना, ऐसा लग रहा है ये अपने पूरे भाई बहन का गुस्सा उसी पे निकाल रही है। ये चीकू के लिए, सुनो ये सिद्धि के लिए, भैया के लिए। कितने बुरे तरीके से मार रही उसको। अरे भाई ये किसके लिए है दीदी? तो यार ऐसा कौन करता है। मैंने उसको बोला कि सिर्फ चीकू को और विश्वा को थोड़ा सा डराना है, वो ऐसा गुड़िया को मार के कहा कि दिखाती हूँ आप लोगों को। ये पूरा जैसे लगता है ना ये पूरा अंदर का जो खुन्नस था वो आज पूरी गुड़िया के ऊपर निकल गया। क्या हो रहा है? आलू चना टमाटर की सब्जी। वाह देख के तो बड़ा यम्मी लग रहा है, पर मैं नहीं खाऊंगी। मैं अब खाऊंगी अपना सफोला। और क्या बनेगा सब्जी? और रोटी बस, और क्या? चावल नहीं? नहीं चावल नहीं बनेगा, चावल खा लिए। ओके तो मैं भी जा रही हूँ अपना, मैं अपना दूसरा खा बनाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी ये। हाँ मत खाओ, खाना हो वो बना ले। हाँ अपने लिए, चीकू के लिए, सिद्धि के लिए, रिद्धि रिद्धि के लिए, हर्ष के लिए, सिद्धि के लिए बना रहे हैं। हम ये नहीं खाएंगे तो। जिसको जो खाना हो बना ले। मैं नहीं, वो चाहिए पिज्जा। क्या चाहिए? खाना रोटी पिज्जा। मुँह देखिए अपना, पिज्जा जैसा है तुम्हारा फेस। तभी खाना है भाई, सूखा हुआ पिज्जा, ये सूखा हुआ पिज्जा देखिए आप लोग। तो आप क्या कर रहे हो किचन में? ओट्स बना रही हूँ। किसके लिए? मेरे लिए। थैंक यू। अपने लिए। तुम क्या, तुम्हें तो खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ओट्स मैं अपने लिए लेके आई थी। ये की चाट खा रही है। ओट्स मैं अपने लिए लेके आई थी, मैंने सोचा मैं खाऊंगी। तू क्या भाई? मैं खाऊंगी। मैंने कहा ये बोलेगी मौसी मैं ओट्स खा लूंगी थोड़ी सी पतली हो जाऊंगी। मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ी सी पतली हो जाऊंगी। मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है। इतना मत फेंकिए ठीक है, और लिमिट में रहिए। खाना खाने का मन नहीं था, किचन में इनको लेके आने का मतलब है कि फिर डर लगता है। क्या बोल रहे विश्व? क्या बोल रहे दद्दोस? बोलो बोलो, क्या बोलो बोलो विश्व। कब से इतना बोले जा रहा है, इतना बोले जा रहा दद्दोस दद्दोस, अभी बोलो 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 भाई बोलो। नो 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 नो, इसके हाथ में सब इतना सारा आवाज लगा है ना, सब मोबाइल में लगा देंगे। मम्मा
आप देख सकते हैं विश्वा इतने खुश हैं, ये अपने चंगू मंगू के साथ, ये इनके साथ खेल रहे हैं। ये पिंकू हैं। अरे बाबा रे, ओली 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 भाई री, क्या बात है विश्वा। विश्वा लायन का है, लायन विश्वा लायन का है, लायन को दिखाओ, लायन को दिखाओ विश्वा, लायन को दिखाओ बेटो। विश्व इधर फेस करो, इधर विशी लाइन का है, ये देखो विश्व का लायन, ये ऑटो सब फेंक देंगे ये उठा के। विश्व हाय करो, हाय से हाय विश्व से हाय शी हाय, ये प्यार कर लो लाइन को, प्यार कर लो। अरे भाई ओली बाबा री, बाबाई बाबाई फॉक्स को, हाँ 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 अली किची किची किची, बाबाई बाबाई बाबाई। हम आ गए हैं मौसी के पास, तो आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, कल चीजों को क्या पढ़ाना है स्कूल से, क्या क्या चीजें आई, उनके होमवर्क वो चेक कर रहे थे, उनकी डायरी चेक किया, अभी उनकी ये बुक है हिंदी वाली जिसमें बच्चों को बताते हैं, तो बस वही चेक कर रहे थे कि सब होमवर्क किए हैं कि नहीं। ओह चेकिंग चल रही है। चीकू सो गया पता है, विश्व को सुलाए थे, मैंने कहा विश्व चीकू भी गेम खेलना है अभी, मतलब थोड़ा अभी सोना नहीं, और विश्व को सुला थे वो खुद ही सो गया। उसका होमवर्क चेक करूँ किया है कि नहीं, उसने पढ़ाया मैंने, लेकिन होता ना बच्चे थोड़ा सब मामा आ गए उसके बाद, उस चक्कर में पढ़ा नहीं पाया उनको आगे। कोई नहीं, तो होमवर्क हो गया उनका, होमवर्क हो गया। तो मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट काम से आपके पास आई थी, अभी मैंने सुना आप रूम में कुछ गा रहे थे। क्या? अरे गांव वाली लड़की को कॉपी बड़ा गजब कर रहे थे मम्मी के सामने। उनके दिखाना तो बनता है भाई, जैसे कि गांव में जो मतलब होते हैं ना कि एक लीड औरतें आती हैं सब, जैसे आपके घर में बच्चा हो गया या कोई पूजा कोई फेस्टिवल हो गया तो गाँव में औरतें आती हैं ना गाना गाने के लिए, तो जैसे हमारे यहाँ पे भी एक लोग थी तो वो ना मतलब वो बहुत फेमस थी गाना गाने में, बहुत फेमस थी, तो जब भी कोई होता था तो उनको बुलाया था और पहले गाना उन्हीं से स्टार्ट होता था। तो एक बार घर पे गुरुजी आए थे तो मम्मी उनको बुलाई थी गाना गाने के, तो वो लीड करती थी, तो लेकिन मम्मी ने लीड किया, मतलब गाना स्टार्ट मम्मी ने किया, क्योंकि वो ऐसे होते ना भक्ति सॉन्ग नहीं गाती थी, जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स होते हैं उनको वो नहीं आता था, तो मम्मी स्टार्ट की तो उनको कॉपी करना था, तो उनका मतलब थोड़ा सा मुंह बन गया, तो वो कैसे गाती थी मैं उनकी एक्टिंग कर रही थी, तो मैं बताती हूँ थोड़ा सा रुको एक मिनट। जैसे वो काफी ना ज्वेलरी वगैरह पहनती थी, उनके हाथ में चूड़ियाँ बड़े, मतलब गांव में औरतें जाती ना जैसे कहीं जाती है तो पहले वो अपनी ज्वेलरी मतलब जितना गहना होता है वो पहन लेती, क्योंकि उनको वही शो ऑफ करना होता है, तो वो पहन के फिर ऐसे पूरा मतलब बन ठन के आई, तो मम्मी गा रही थी, मम्मी मेरी गाना गा रही है, भगवान तुझे मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं, तो वो कैसे गा रही थी मैं बता रही हूँ, तो जैसे उनका आंचल है तो ये आंचल, तो आंचल से तो उनका ये स्टाइल था, तो हम लोग हमेशा वही कॉपी करते थे, ऐसे ऐसे मतलब नाक पे लगाती थी ऐसे, भगवान तुझे मैं खत लिखती पर पता मालूम नहीं। हे भगवान, मतलब जब भी मम्मी जब भी वो गाना गाती ना हम लोग के फेस पे उन्हीं का चेहरा, अब नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि वो भी मेरा ब्लॉग देखती है। तो मतलब वो बहुत फेमस है, तो मतलब हमारे गांव में फेमस है, तो अभी उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब भी वो ये गाना आता है ना, मतलब मुझे सामने, मतलब मैं छोटी थी उस समय, मतलब क्लास 6 या 7 पढ़ रही थी, लेकिन ये सामने उन्हीं का चेहरा आता है ये गाने पे, भगवान का चेहरा नहीं आता, उनका जो जिस स्टाइल से वो गा, इतना अच्छा गाना का उन्होंने वो कर दिया ना, मतलब धज्जी उड़ा दिया, मतलब वो उनका जो तरीका था गाने का ठीक है, लेकिन उन्होंने उस जो गाने का वो सत्यानाश किया पूरा, उनका जो मिजाज था वो एकदम ऐसा था, ऐसे पूरा मुंह में गजब, क्या गा रही हो हे भगवान। अरे मम्मी भी देखेंगी ब्लॉग में, बहुत हंसेंगी, बहुत हंसने वाली है। अरे बाप रे।